अबे यार, मैंने तुझे कितनी बार बोला वहाँ पाँव रख और सड़ जा ऊपर। ये मेरी ही गलती है, मुझे तुझे साथ लाना ही नहीं चाहिए था यार। पिगू इतना नहीं कर सकता, दीवार नहीं चढ़ सकता तू? भाई गधे कहीं के मैं दीवार कैसे चढ़ू? और मैंने भी तुझे बोला था कोई उटपटांग हरकत नहीं करनी ना, तभी साथ चलूंगा। अरे पर मैं भी तो तुझे एक दीवार सड़ने को ही बोल रहा हूँ ना, मैं कहाँ पहाड़ सड़ने को बोल रहा हूँ। पिगू यार, पता नहीं पिगू यार तुझे माफिया किसने बनाया। भाई मेरे को कुछ नहीं करना, चल नीचे उतर, मेरे को और भी काम है। वैसे तूने सही कहा, मैं इप्पू को लेकर आऊंगा किसी और दिन, अभी सड़ते हैं घर पे। ओए वैसे एक बात बता, इस घर में तेरा दुश्मन है क्या जो तुझे अंदर घुसना था? मुझे बोल देता, मैं उसका गेम बजा डालता अपने आदमियों को बोलकर। अरे नहीं रे पिगू, अंदर सकुड़ी रहती है, ये उसका घर है, वहाँ से लिपस्टिक सुड़ानी थी, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है ना। तो ओए तेरे तो बहुत अजीब शौक है। नहीं पिगू, इतना भी खास नहीं हूँ मैं। हेलो जे, ताऊ भाई साहब कैसे हो जे? अरे आइए आइए मगन भाई साहब, कैसे हैं आप? बैठिए बैठिए। अरे ताऊ जी, ये कौन है? बेटा ये मेरे खास दोस्त मगन भाई है, ये हमारे घर पे आए हैं चाय पानी के लिए। अरे ये तो अच्छी बात है। ऐसे बताइए ताऊ भाई साहब, ये कैसा चल रहा है सब कुछ? घर में सब कुछ ठीक है ना? अरे भाई साहब बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे बेटे बहुत शरीफ है, बस एक आराम ज्यादा है जो बाहर गया है। सही बात है, वो साला घर में ना ही आए तो ही अच्छा है। क्या बात है ग्रैनी, मुझे ही याद कर रही थी ना तू है? ये मैं आ गया, एक मिनट, ये बुढ़ऊ कौन है? बदतमीज, ये मेरे दोस्त है, घर पे चाय पाने के लिए आए हैं। अच्छा मुफ्त की चाय पीने आए हैं, ठीक है फिर आइए इन्हें मम्मी। ये तो बहुत बोलते हैं जी, वैसे तुम काम क्या करते हो? जी मैं ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग्स बनाता हूँ यूट्यूब पे, हफ्ते में एक ब्लॉग डालता हूँ। वैसे जी ब्लॉग किस में बनाते हो, कौन से मोबाइल में जी? मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ अपने सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में, और इसमें है 5000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, और फोन को बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता, बढ़िया चलता है। वाह क्या बात है जी, बढ़िया काम करते हो तुम तो। वैसे बुढ़ऊ अंकल आप क्या काम करते हो? अबे ओ क्रिमिनल, क्या कब से बुढ़ऊ बुढ़ऊ कर रहा है, मगन भाई नाम है इनका। हाँ ठीक है समझ गया। चलिए बताइए मदन भाई, क्या करते हो आप? अरे मदन नहीं, मगन भाई, मगन भाई। अरे जो भी हो वो मगन मदन सगन, काम क्या करते हो आप वो बताओ। वैसे मैं जी रिटायर हो गया हूँ, 30 साल पहले मैं काम करता था, अब नहीं करता। बेटा वो लहसुन खत्म हो गया है, जल्दी से ले आ। अरे यार सॉरी, कोई ना मैं ले आता हूँ। बाबू मौसाई मेरे लिए वड़ा पाव ले आना। नालायक है मगन भाई, पर घर के काम करता है। चलिए जी मैं भी चलता हूँ, अच्छा लगा मिलके, मेरे को भी एक जरूरी काम आ गया जी। अरे यार ये क्या, मेरी प्यारी टन्नों के टायर में से हवा किसने निकाल ली? एक तो ये क्लॉक टावर वाले ना मेरे से बहुत डरते हैं, क्योंकि इनके पास मेरे जैसी साइकिल नहीं है ना, अब इसको हवा कौन भर देगा। अरे क्रिमिनल बेटा रुक जा जी, एक बहुत जरूरी बात करनी है जी। अरे बुढ़ऊ सांस ले लो, मैं यही खड़ा हूँ, वरना तुम निकल जाओगे। सही कहा जी, बात ऐसी है मेरे को एक गंभीर बीमारी है जी, मैं कभी भी टपक सकता है जी। अरे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाऊँ ना बुढ़ऊ, मैं तो क्रिमिनल हूँ, मैं क्या करूँ? तो क्रिमिनल है इसीलिए तो मैं तेरे पास आया जी, मेरे को पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। अरे इतने सारे पैसों का क्या करना है तुम्हें? मरने से पहले मेरी कुछ इच्छा है जी, मैं गाड़ी बंगला खरीदना चाहता हूँ और एक शादी भी करना चाहता हूँ जी, पर ये सब तभी हो पाएगा जब तुम मेरा साथ दोगे। अच्छा तब तो मैं भी पैसा कमा पाऊँगा ना, बताओ क्या करना है? देखो टॉयलेट बना के बेचना है जी मार्केट में, वो भी खुद का, बताओ करोगे? नहीं नहीं ये क्या बात कर रहे हो, इसमें तो बहुत खतरा है, मैंने देखा है डाकू सासा के पास भी ये सब चीज़ें हैं, उनके पीछे भी एंटी टॉयलेट ब्यूरो वाले पड़े हैं। अरे वैसे भी मैं टपकने वाला है जी, और सारा काम मेरे नाम से होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, और बदले में तू करोड़ों कमाएगा जी। यानी सारे इल्ज़ाम तुम अपने ऊपर ले लोगे और मैं बस जाऊँगा, पर फिर भी मेरी एक शर्त है,
मैं सिर्फ टॉयलेट बनाऊंगा, सगा भी तुम्हारी होगी और स्ट्रगल भी तुम ही करोगे। ठीक है जी, मेरे को मंजूर है, एक काम करो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें जगह दिखाता हूँ। अरे ये फिर से कौन आ गया, आज तो मेहमान ही नहीं खत्म हो रहे। अरे आदम मैं हूँ, कैसा है मेरे भाई? अरे एंड्रयू बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई, बैठो ना, चाय पानी क्या लोगे? अरे वो सब छोड़, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए आदम, पूरे फ्री फायर वर्ल्ड में सिर्फ तू ही एक भरोसे लायक बंदा है। हाँ बताओ क्या मदद चाहिए, मैं करूँगा। देखो बात ऐसी है कि मुझे एक जरूरी काम से दूसरे देश जाना है 3-4 दिनों के लिए, तो बदले में तू मेरी पुलिस की नौकरी कर ले यार 3-4 दिनों के लिए। अबे भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है। नहीं मैंने ऊपर बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई काबिल इंसान हो तो उन्हें मंजूर है, और वैसे भी क्राइम बहुत बढ़ चुका है, टॉयलेट माफिया बढ़ते ही जा रहे हैं, और तुम्हारे जैसे लोगों की डिपार्टमेंट को बहुत ज़रूरत है। ठीक है चल, मैं 2-4 दिन फ्री ही हूँ तो ये काम कर लेता हूँ। आदम सासा मेरे को भी ले चलना, बहुत मजा आएगा अब तो। एक बात बता जी, तू ऐसे धूप में व्लॉगिंग करता है तो तेरा फोन हीट नहीं होता क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra जिसमें है एडवांस्ड वेपर कूलिंग चैम्बर जो फोन को हीट नहीं होने देता और एकदम स्मूथ चलता है। ठीक है जी, तो अब काम की बात करते, बता तेरे को ये सब कैसे आता है, तू कर लेगा ना? एक बार ना मैं डाकू सासा के अड्डे पे ब्लॉगिंग करने गया था, वहाँ मैंने ये सीख लिया था बनाना कि इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे बनता है ये, तू चिंता मत कर, कर लूँगा मैं। तब तो बहुत अच्छा है जी, आदम डाकू जैसा माल बनेगा, उसका माल मार्केट में बहुत चलता है, और तू एक काम कर रात तक एक सैंपल बना दीजिए। अच्छा भाई तो तुम सोवो, एंड्रयू के बदले आए अफसर, कपड़े वगैरह अच्छे पहना करो भाई, पुलिस में हो। अच्छा है ना सर, किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं पुलिस वाला हूँ, बताइए मुझे क्या करना है? रे भाई तुम्हें कल से एक अंडरकवर ऑपरेशन करना से, जिसमें सारे टॉयलेट माफियाओं को पकड़ लेना से, तुम्हें पूरी इजाजत से पूरी फोर्स मिलेगी, जहाँ चाहो वहाँ रेड कर पाओगे। ठीक है सर, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मैं कर लूँगा। पर ध्यान रखना भाई, टॉयलेट माफिया बहुत खतरनाक होते से, वो कुछ भी कर सकते से। अरे क्या हुआ क्रिमिनल, ये रात हो गई तूने बनाया कि नहीं? अरे हो ही गया, फाइनल टच दे रहा हूँ, पूरी मेहनत से बनाया है। अरे क्या बात है जी, ये तो एकदम लाजवाब बना है जी, इससे अच्छा माल तो मैंने कभी नहीं देखा जी। अब बस तुम सुबह एक डीलर ढूंढो जिसे हम अपना माल बेच पाए, और फिर हम चोरों शोरों से माल बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, ये सब तुम मेरे पे छोड़ दो, कल मिलते हैं। अरे ये क्या, मेरे घर के बाहर पुलिस की गाड़ी, अभी तक तो मैंने माल बेचा ही नहीं है, मांझड़ा क्या है? अरे आदम सासा ये बाहर पुलिस की गाड़ी क्यों खड़ी है, क्या हो गया? अरे क्रिमिनल वो मैं तुझे बताने ही वाला था, मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली है, एंटी टॉयलेट ब्यूरो का हेड हूँ मैं, है ना बढ़िया बात, कल से टॉयलेट माफियाओं का सफाया कर दूंगा। अरे यार कैसी फूटी किस्मत है मेरी, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया और सासा एंटी टॉयलेट ब्यूरो के हेड बन गए, अब क्या होगा?